गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर। टुडे वी विल रिवाइज आवर 12th चैप्टर, बुक एक्सरसाइज। यस, बुक एक्सरसाइज ऑफ 12th चैप्टर। फर्स्टली इन रीड एंड फाइंड, पुट अ टिक और क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट। यस, फर्स्ट इज रोजी वॉज इन द फोर्थ ग्रेड। रोजी वॉज इन द फोर्थ ग्रेड। यस, रोजी कौन सी क्लास में थी? इन फोर्थ ग्रेड। इट इज इट राइट और रॉन्ग? यस, इट्स राइट। रोजी वॉज इन द फोर्थ ग्रेड। नाउ नेक्स्ट, मिसिज बेक्टर वॉज रोजीज टीचर। जो मिसिज बेक्टर थी वो वॉज रोजीज टीचर। क्या वो रोजी की टीचर थी? यस, सेकेंड ऑल्सो राइट। मिसिज बेक्टर वॉज रोजीज टीचर। नाउ नेक्स्ट इज रोजीज मदर वॉज ए ड्रेस मेकर। रोजी की जो मदर थी क्या वो एक ड्रेस मेकर थी? यस, नो, सी इज नॉट ए ड्रेस मेकर। क्योंकि फेथ रिंगगोल्ड की जो मदर थी वो जो है ड्रेस मेकर थी, और वो फेथ रिंगगोल्ड की जो है स्टिचिंग में हेल्प करती थी। बट रोजी की मदर जो है वो ड्रेस मेकर नहीं थी। रोजीज मदर वॉज ए ड्रेस मेकर, सो इट्स रॉन्ग। वी विल क्रॉस हेयर। नाउ नेक्स्ट, फेथ रिंगगोल्ड वॉज एन अफ्रीकन आर्टिस्ट। यस, फेथ रिंगगोल्ड वॉज एन अफ्रीकन आर्टिस्ट। अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट। यस, रोजी रोट अ लेटर टू फेथ रिंगगोल्ड। रोजी ने किसको जो है लेटर राइट किया था? फेथ रिंगगोल्ड को। यस, इट्स ऑल्सो राइट। नाउ नेक्स्ट, फेथ रिंगगोल्ड पेंटेड पिक्चर ऑन क्लॉथ। फेथ रिंगगोल्ड की जो पेंटिंग होती थी वो किस पे होती थी? यस, क्लोथ्स पे होती थी। फेथ रिंगगोल्ड पेंटेड पिक्चर ऑन क्लोथ। नाउ नेक्स्ट, फेथ रिंगगोल्ड ड्रॉइंग्स वर कॉल्ड टंकास। जो फेथ रिंगगोल्ड की ड्रॉइंग्स थी वो कैसी, मतलब उनको क्या कहते थे? टंकास। यस, इट्स ऑल्सो राइट। नाउ एट्थ, रोजी हैड अस्थमा वेन सी वॉज अ लिटल चाइल्ड। रोजी जब छोटी थी तो क्या उसको जो है अस्थमा था? नो, रोजी जो है ठीक थी उसकी हेल्थ। रोजी हैड अस्थमा व्हेन शी वाज अ लिटिल चाइल्ड, इट इज रॉन्ग। सो वी विल क्रॉस इट। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। इनमें से हमें जो राइट ऑप्शन है उस पे उसको जो है चूज करना है, उस पर हमें टिक करना है। जैसे फर्स्ट है फेथ, व्हाट डिड फेथ रिंगगोल्ड पेंट हर पिक्चर्स ऑन। फेथ रिंगगोल्ड जो है किस पे जो है अपनी पिक्चर्स जो है पेंट करती थी? यस, द ऑप्शंस आर ऑन पीसीज ऑफ क्लॉथ, ऑन पीसीज ऑफ पेपर। यस, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ऑन पीसीज ऑफ क्लॉथ। नाउ नेक्स्ट, इन टू वट शेप डिड फेथ स्टिच हर पेंटिंग। फेथ रिंगगोल्ड जो है वो अपनी पेंटिंग्स को किस शेप में जो है स्टिच करती थी? नाउ द ऑप्शंस आर इन टू द शेप ऑफ अ क्यूलिट और इन टू द शेप ऑफ अ ड्रेस। यस, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, इन टू द शेप ऑफ अ क्यूलिट। नाउ नेक्स्ट, वट वॉज स्पेशल अबाउट फेथ रिंगगोल्ड फेथ क्यूलिट पेंटिंग्स। फेथ की जो क्यूलिट पेंटिंग्स होती थी उसमें जो है स्पेशल क्या थिंग्स होती थी? दीज आर द ऑप्शंस, दे टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, दे वर मेड इन डिफरेंट कलर्स। यस, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, दे टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। जो
फेथ रिंगोल्ड की पेंटिंग्स होती थी, उनसे हमें एक स्टोरी मतलब उसमें शो होती थी पिक्चर्स के थ्रू, दे टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज टंकास? टंका क्या था उसमें जो है, व्हाट डू यू मीन बाय टंका? द ऑप्शंस आर अ पेंटिंग ऑन क्लॉथ, अ ड्रेस फॉर चिल्ड्रन। यस, अ पेंटिंग ऑन क्लॉथ इज द राइट ऑप्शन। टंका क्या होता था? पेंटिंग, जो क्लॉथ पे पेंटिंग की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? टंका। हु वॉज मिसिज बेक्टर? मिसिज बेक्टर जो है कौन थी इस चैप्टर में, जैसे हमने रीड किया था। और ऑप्शंस आर रोजीज मदर, रोजीज टीचर। सेकंड इज द राइट ऑप्शन, रोजीज टीचर। मिसिज बेक्टर कौन थी? रोजी की टीचर थी, जिन्होंने फेथ रिंगोल्ड के बारे में रोजी को बताया था। नाउ नेक्स्ट, व्हाई कुड फेथ नॉट गो टू स्कूल मेनी अ टाइम? फेथ रिंगोल्ड कई बार स्कूल नहीं जा पाती थी, तो क्यों नहीं जा पाती थी स्कूल? द ऑप्शंस आर सी हैड फीवर, सी हैड अस्थमा। यस, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, सी हैड अस्थमा, सो सी कुड नॉट गो टू स्कूल मेनी टाइम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजी लाइक टू डू? रोजी को जो है क्या करना पसंद है? ऑप्शंस आर राइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, drawing and making things with cloth. Yes, drawing and making things with clothes. उसको भी जो है painting पसंद थी, drawing करना पसंद था। Now next is, who helped Faith Ringgold learn to sew? Sew means सिलाई करना, stitch करना। Who helped Faith Ringgold? Faith Ringgold की help कौन करता था? Learn to जो है स्टिच करने में उसकी जो हेल्प कौन करता था? ऑप्शंस आर हर मदर, हर टीचर। यस, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, हर मदर, बिकॉज हर मदर इज अ ड्रेस मेकर, सो सी हेल्प्ड फेथ रिंगोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज, आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन आंसर हम जो है कर चुके हैं, जैसे कि आपके इसमें 8 क्वेश्चंस हैं और वर्ड मीनिंग वी हैव डन इट ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमारे पास जैसे द फ्लोइंग वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ट रॉन्ग, कैन यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग? हम इसमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो है रॉन्ग स्पेलिंग है, हमें इन्हीं की हेल्प से जो है प्रॉपर वर्ड यहाँ पे जो है राइट करना है। जैसे एस टी आई सी एच है, तो यहाँ इसका बनेगा स्टिच, एस टी आई यस, इसमें जो है स्पेलिंग जो है इसमें रॉन्ग है, एस टी आई टी सी एच, तो यहाँ टी आई के बाद 1 T और ऐड होगा इसमें स्टिच। नेक्स्ट है क्यूलिट, तो क्यूलिट की क्या स्पेलिंग होती है? क्यू यू आई एल टी, क्यूलिट। थर्ड इज पीस, तो पीस की जो है स्पेलिंग भी इसमें रॉन्ग है, पी आई ई सी ई एस, पी आई ई, जैसे इसमें दिया हुआ है पी ई आई, तो यहाँ आई पी के बाद आ जाएगा पी आई ई सी ई, पीस। नेक्स्ट है स्टोरी, तो ये स्टोरी जो है जैसे कि वाई को हम आई में चेंज करेंगे और उसके बाद एस ऐड करेंगे, स्टोरीज, एस टी ओ आर आई ई एस। पिक्चर, तो पिक्चर की क्या स्पेलिंग होती है? पी आई सी टी यू आर ई एस, यहाँ ई ऐड करेंगे, पिक्चर्स। अमेरिकन, तो यहाँ जैसे अमेरिकन में ई, इस एम के बाद ई नहीं लिखा हुआ, तो हमें यहाँ ई ऐड करना है, ए एम ई आर आई सी ए एन, अमेरिकन। नेक्स्ट है प्रोफेसर, प्रोफेसर में पी आर ओ एफ ई डबल एस ओ आर, एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है टुगेदर, टी ओ जी ई टी एच ई आर, टुगेदर।
इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में INTERESTING, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ टी के और आर के बीच में हमें ई और ऐड करना है. नेक्स्ट है पुट दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर. ये जो गिवन वर्ड्स हैं ये हमें डिक्शनरी ऑर्डर में इनको जो है राइट करना है. जैसे फर्स्ट आएगा स्केच, इसमें जो दिए हुए हैं स्केच, पिक्चर, पोर्ट्रेट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ. तो इनमें सबसे पहले जैसे कौन सा वर्ड आएगा, डी जो सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है तो उससे कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है. जैसे ड्राइंग ए बी सी डी, तो डी पे जो है इसमें ड्राइंग ए से नहीं है, बी से नहीं है, सी से भी नहीं है, डी से है. तो डी पहले आता है अदर वर्ड से, तो डी को सबसे पहले राइट करेंगे. ठीक है, उसके बाद जैसे कि ड्राइंग, फर्स्ट क्या जाएगा ड्राइंग, सेकंड पे पेंटिंग, थर्ड पे फोटोग्राफ, फोर्थ पे पिक्चर, फिफ्थ पे पोर्ट्रेट एंड सिक्स्थ पे स्केच. नाउ चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक. जो ऊपर इसमें बॉक्स में दिए हुए हैं हमें इन्हीं में से जो है ये वर्ड्स चूज करके यहाँ फिल करने हैं. तो ये सभी जो है इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेफिनेशन दी हुई है. जैसे अ डैश इज अ पिक्चर डन इन पेंट, अ डैश इज अ पिक्चर डन इन पेंट. तो अ पेंटिंग इज अ पिक्चर, अ पेंटिंग इज अ पिक्चर डन इन पेंट. नेक्स्ट है सेकेंड, जैसे अ फोटोग्राफ इज अ पिक्चर मेड बाय यूजिंग अ कैमरा. कैमरे की हेल्प से जो हम पिक्चर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ. अ फोटोग्राफ इज अ पिक्चर मेड बाय यूजिंग अ कैमरा. नेक्स्ट है अ स्केच इज अ सिंपल पिक्चर नॉट हैविंग मैनी डिटेल, नॉट हैविंग मैनी डिटेल्स. फोर्थ इज अ पिक्चर इज एनीथिंग दैट शोज अ सीन, अ पर्सन और अ थिंग. फिफ्थ इज अ ड्रॉइंग इज अ पिक्चर मेड विद अ पेंसिल और पेन नॉट इन पेंट. इसमें जैसे कि पेंट नहीं किया होता, सिर्फ ड्रॉइंग होती है, तो इसे क्या बोलेंगे, अ ड्रॉइंग इज अ पिक्चर मेड विद अ पेंसिल और पेन नॉट इन पेंट. अ पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग. पोर्ट्रेट क्या होता है, अ पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग होती है. जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन स्पेशली ऑफ द फेस, जो स्पेशली जो है फेस को ही हाईलाइट करता है, यानी फेस का ही जो है जो पिक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग ड्राइंग और फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन स्पेशली ऑफ द फेस. नेक्स्ट इज चूज द राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जैसे इनको ये कौन से वर्ड्स जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे लिप्स है तो यहाँ पे क्या जाएगा, पिंक लिप्स. हेयर तो लॉन्ग हेयर. ईयर्स, ईयर्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं स्मॉल ईयर्स. नेल तो नेल के साथ हम रेड कर सकते हैं, जैसे रेड नेल्स. आईज ब्लैक आईज. टीथ वाइट टीथ. तो इस तरह से आप जो है ये बुक एक्सरसाइज रिवाइज करोगे ऑफ 12th चैप्टर की, यहीं तक रीड एंड फाइन और उसके बाद वर्ड पावर. नेक्स्ट ग्रामर इन यूज वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके बेटा, थैंक यू. रिवाइज योर बुक एक्सरसाइज एंड लर्न इट.